मुश्किल मरहला मुकम्मल हो गया, कौम के लिए खुशी है, 34 नुकात पर अमल दरामद हो गया। हमाद अजहर कहते हैं फैटफ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने मुश्किल एक्शन प्लान पर तेजी और सबसे बेहतरीन काम किया। फैटफ को सिर्फ इकदाम नहीं नतज भी दिए, अदलिया और सिक्योरिटी दारों ने बेहतरीन काम किया। हीरो मुख्तलिफ महकमों के अफसरान हैं, भारत बेनकाब हो गया। पीटीआई हुकूमत की काविशों का क्रेडिट, हुकूमत अपने सर लेने लगी। एफएटीएफ कानून की मुखालफत करने वाले ग्रे लिस्ट से निकलने का क्रेडिट लेने लगे। वजीर मुमलिकत हिना रब्बानी खर कहती हैं फैटफ कानून साजी पर तहफ्फुज़ात थे, एफएटीएफ में पेशक का क्रेडिट अपनी टीम को दूंगी, कामयाबी का सहरा पूरी रियासत के सर है। हुकूमतें आती जाती हैं, हमेशा फैटफ के गैर सियासी रहने की बात की, ये इख्तिताम नहीं आगाज है, कोशिशें जारी रहेंगी। सिंध के बाद पंजाब में भी बिजली बचत का निराला प्लान, मार्केटें रात 9 बजे बंद करने का फैसला। अगले हफ्ते से प्लान पर अमल दरामद कराया जाएगा, पाबंदी 2 माह के लिए होगी, रेस्टोरेंट्स और होटल्स जल्द बंद करने पर गौर जारी। तवानाई बहरान, हुकूमत के बेसूध प्लान, आवाम परेशान, बिजली का शॉर्टफॉल 6245 मेगावाट। मुख्तलिफ शहरों में लोड शेडिंग का दौरानिया 10 घंटे से जायद हो गया, मजमूई पैदावार 20,755, तलब 27,000 मेगावाट। मुरीद अब्बास कत्ल केस, जज फराज चांडियों का तबादला, हातिम अजीज सोलंगी तैनात, 3 साल बाद भी केस का ट्रायल शुरू ना हो सका। मुलजिम आतिफ जमान अदालती रिमांड पर जेल में है, मुलजिम आदिल जमान ताहाल मफरूर है। तुगयानी के बाद ठट्टा के 12 से ज्यादा देहात जेरे आब आ गए, केटी बंदर और खारो छान के देहात जेरे आब आए, घाड़ो क्रीक में भी तुगयानी आ गई, हिफाजती बंद टूट गया, खेलों के मैदान और कब्रिस्तान जेरे आब आ गए, मुतासर अफराद बे और मददगार खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।